पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्याम सेवा समिति द्वारा सनाई मंडप में बाबा खाटू श्याम के कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक टीटू आनंद ने भजनों का ऐसा समा बांधा कि सभी भक्तों बाबा की भक्ति में लीन नजर आए। भजनों में खाटू श्याम को प्रसन्न करने के लिए भजनों के सरोवर से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। सब बाबा की भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही भक्तों द्वारा भजनों पर नृत्य करके बाबा का गुणगान किया गया। तो वहीं श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 11 मार्च को हम नवी यात्रा लेकर शहर से रवाना हुए थे और उसके बाद मुरादाबाद वापस आए हैं। उसी उपलक्ष्य में शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए भजन संध्या का आयोजन कराया गया, जिसमें श्याम सेवा समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। सबसे पहले मैं सभी को जय श्री श्याम करना चाहता हूं। आज हमने एक श्याम बाबा खाटू के नाम एक कार्यक्रम यहां पर प्रायोजित किया है, जो श्याम सेवा समिति के तत्वाधान से रखा गया है। ये 11 से 18 मार्च जो है फागुन महोत्सव, जो बाबा श्याम के प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार पूरे साल में मनाया जाता है, इसमें हम लोग यहाँ से मुरादाबाद से अपनी यात्रा लेके चले थे राजस्थान बाबा के दर्शन करके। 11 मार्च को हमने बाबा को अपना निशान चढ़ाया था। हर प्रत्येक वर्ष की बात ही ये हमने नवी यात्रा अपनी संपन्न करी, उसके बाद में आज ये श्याम कीर्तन महोत्सव ये शहनाई मंडप सिविल लाइन्स पर श्याम सेवा समिति की तरफ से बाबा को सधन्यवाद देने के लिए रखा गया है। इसमें हमारी पूरी समिति और साथ में सारे आवाम पूरे शहर के लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और इसके तहत हम बाबा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी कृपा हम सब पे बना के रखी है, बरसाई हुई है, जिसके तहत हम सब यहाँ बैठे हैं। बाबा श्याम जो कि तीन वानधारी हैं, उनकी कृपा सब पे बनी रहे। और एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहता हूँ, इस बार जो कि आज सब न्यूज़पेपर में है, हमारे बाबा ने पिछले 242 साल का रिकॉर्ड 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो कल 17 तारीख जो एकादशी का दिन था बाबा के दर्शन को खाटू जी रिंगस राजस्थान में मौजूद थे, क्योंकि मैं समझता हूँ 42 देशों से ज़्यादा की पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो आने वाले समय में दिन ब दिन बाबा की भक्ति, बाबा का आशीर्वाद लोगों में रंग बढ़ रहा है और कलयुग में कोई घर ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में जहाँ बाबा की पूजा ना हो। जय श्री श्याम, जय जय।